नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं स्वाति चौरचौरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। मौर्य जब मंगलवार को सात कालिदास मार्ग स्थित बंगले पर उन दोनों ने मुलाकात करी तो सियासी पंडित राजनीति की पोथी खोल करके कयासों की कथा सुनाने में जुट गए। इस बैठक के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात की असल वजह क्या है, क्या कुछ छुपा है, इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जा रहे हैं, ये तो 2022 में चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि चुनावी गलियारों में गहमागहमी तेज हो गई है। अभी हाल फिलहाल मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों ने सियासी तपिश में ठंड का एहसास करा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के पीछे संघ ने भी अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि मात्र 200 मीटर की दूरी है और इस 200 मीटर की दूरी को तय करने में, यानी 200 मीटर की दूरी है उन दोनों के घर के बीच की, और इस दूरी को तय करने में करीब करीब तकरीबन 4.5 साल का वक्त लग गया। यूपी बीजेपी में ऑल इज वेल कहा जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे और उनके घर पर भोज रखा गया, उनके बेटे और बहू को जो नवविवाहित है उन्हें आशीर्वाद दिया गया। और वहीं देश में बढ़ती जनसंख्या कई समस्याओं को जन्म दे रही है। लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसी के चलते अब आपको बता दें कि राज्य सरकार परेशान है। राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर विचार कर रही है। असम के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के गंभीर नजर आ रही है। राज्य विधि आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद इसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक बीजेपी सरकार पर निशाना साधे, यानी कि तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। सपा से 2 कदम आगे निकल करके कांग्रेस ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को राज्य की शक्ति से बाहर बता दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। बीजेपी भी रणनीति बनाने में लग गई है। संगठन में फेरबदल से लेकर कुछ जनकल्याण योजनाएं शुरू करने तक फिर सत्ता वापसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इस बीच यूपी में अब जनसंख्या कानून को लेकर मंथन शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि जल्द राज्य भी अपना खुद का एक जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकता है। अब उस कानून पर तो अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है, लेकिन यूपी की सियासत ने उबाल मारना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी से चुनाव से पहले ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बता रही है, तो वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे कानून का लाना राज्य के हाथ में नहीं है। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इन 4.5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, कोरोना काल में लोगों की मौत हुई, जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। इन 4.5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहे हैं, लिहाजा जनता का ध्यान भटकाने के लिए अब ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं।
अब सपा की तरफ से तो फिर भी सिर्फ एक सियासी टिप्पणी की गई, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ निशाना नहीं साधा बल्कि ऐसे किसी भी कानून की संवैधानिकता वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी भी चाहती है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। वे इस मुद्दे पर बातचीत की पैरवी करते हैं, लेकिन यूपी सरकार जो कानून ला रही है वे उसको चुनौती देते हैं। बयान में कहा गया कि ऐसा कोई भी कानून लाना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बीजेपी सरकार बुरी तरह फेल हो गई है, हर मुद्दे पर विफल है। बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ गए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है। किसने रोका है? लेकिन सच्चाई क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी नियत में क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर विफल हो चुकी है बीजेपी सरकार, इसलिए वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। सच्चाई ये है कि जनसंख्या का विषय केंद्र सरकार का विषय है, एक राष्ट्र समस्या है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इस पर एक सार्थक बातचीत हो, इसको लेकर कोई ऐसे कदम प्रभावी उठाए जाए जिससे हम इस पर नियंत्रित कर सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का राज्य विधि आयोग क्या इसके लिए सक्षम है? क्या ये उनके क्षेत्राधिकार का विषय है? ये बहुत सारी बातें हैं। सही बात यही है कि बीजेपी सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पर जा रहा है। अपराध बढ़ता चला जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार, जब आप अपराध बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आदित्यनाथ जी के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए ये लोगों को गुमराह करने के लिए इधर और उधर की बातें कर रहे हैं, ये सच्चाई है। जनसंख्या कानून बनाने की तैयारियां तेज। यूपी में अब दो से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ेगा। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। आयोग बढ़ती जनसंख्या से पैदा होने वाली समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है, ये किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं है। असम में भी उस पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने इसके साफ संकेत दिए हैं। यूपी में भी विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। अब जिस मुद्दे पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, असम में भी उस पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने साफ कर दिया कि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किया जा सकता है। अब उसी तर्ज पर यूपी भी ऐसा ही कोई फैसला लेने का मन बना रहा है। जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का काम शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। बता दें, देश की आबादी अनियंत्रित गति से आगे बढ़ रही है। वोट बैंक के कारण अब तक कोई भी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से बचती रही है। अगर देश की जनसंख्या कम होगी तो सबको रोजगार के साथ साथ साफ पर्यावरण और भोजन पानी दे पाना संभव हो सकेगा। ज्यादातर समस्याओं के लिए देश की अनियंत्रित गति से बढ़ रही आबादी जिम्मेदार है। सरकार बढ़ती आबादी को ना तो रोजगार उपलब्ध करवा पा रही है और ना ही सबके भोजन, आवास और पानी जैसी जरूरतें पूरी कर पा रही है। इसलिए लोगों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल्द से जल्द सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लाना चाहती है और यूपी असम समेत देश के कई बीजेपी शासित राज्य इस पर काम शुरू कर चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो
जनसंख्या एक बड़ी समस्या बन करके उभर रहा है हमारे देश में, जहां पर खाने के लिए लगातार देश में आपको बता दें कि न जाने कितने मुंह फैलते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि सीमित संसाधन होने की वजह से सब तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, और ऐसे में जनसंख्या को नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन कराने वालों को लेकर के आपको बता दें सरकार सख्त हो गई। सिंडिकेट, उनका जो सिंडिकेट है वो एक्टिव हो चुका है। जी हाँ, ये कोई नया वाक्या नहीं है कि ऐसी खबरें फिर से सुर्खियों में आ रही। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। ताजा मामला नोएडा से सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले रैकेट के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, यानी कि एक रैकेट चल रहा था जिसमें कि जिसके दो लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है एटीएस के द्वारा। ये रैकेट पिछले दो साल से चल रहा था और अब तक 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिम को इस्लाम में शामिल कराए जाने की बात सामने आई है। पूछताछ में जो बात मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर काजी ने बताई है वो हैरान कर देने वाली है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले एक रैकेट का खुलासा करते हुए गिरोह के दो सदस्यों को दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पिछले दो साल से यूपी के कई जिलों में सक्रिय था और इन दो सालों में 1000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम में शामिल करा चुका है। कहा जा रहा है कि मोहम्मद उमर गौतम भी पहले हिंदू था और बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उसके पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है। धर्मांतरण करने वाला ये गिरोह महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाता था, जिनमें मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं और मुख बहिर बच्चे शामिल हैं। ये गिरोह गरीब बस्तियों में जाकर उन्हें पैसे, नौकरी और विदेश भेजने का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। धर्मांतरण के बाद महिलाओं की शादी भी मुस्लिमों से करा देते थे। एटीएस के मुताबिक पहले ये गिरोह लोगों का ब्रेन वॉश करते थे और उनके धर्म के खिलाफ भड़काते थे। उसके बाद सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करते थे। इस गिरोह ने धर्मांतरण के लिए एक संस्था भी बना रखी है जिसका नाम इस्लामिक दावा सेंटर है। इस संस्था के जरिए धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेला जा रहा था। इन लोगों को ISI मदद करता था और विदेशी फंडिंग के जरिए आर्थिक मदद की जाती थी। आरोपी पहले तो लोगों का धर्मांतरण कराते थे, उनकी शादी करते थे और उसके बाद उन्हें धर्मांतरण और शादी के दस्तावेज तैयार कर धर्म परिवर्तन को अवैध रूप से कानूनी मान्यता भी दिलाते थे। इस खेल में उमर गौतम का साथ मुफ्ती जहांगीर काजी देता था। अब योगी सरकार ने धर्म परिवर्तन कराने वाले इन आरोपियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर रासुका लगाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने ये निर्देश दिए। फिलहाल एटीएस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि जल्दी इस सिंडिकेट में काम कर रहे और भी सदस्यों की गिरफ्तारी कर धर्म परिवर्तन के इस खेल पर नकेल कसी जाएगी। और वहीं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब मंगलवार को सात कालिदास मार्ग स्थित बंगले पर मिल रहे थे तो सियासी पंडित राजनीति की पोथी खोलकर कयासों की कथा सुनाने में जुट गए थे। इस बैठक के कई सियासी मायने भी निकाले गए, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या निकलेंगे ये तो 2022 में चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों ने सियासी तपिश ठंड का एहसास जरूर करा दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के पीछे संघ ने भी अहम भूमिका निभाई है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की मुलाकात के जरिए बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की है कि पार्टी में ऑल इज वेल है, मतलब 2022 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, उनके नवविवाहित पुत्र और पुत्र वधु को आशीर्वाद दिया तो केशव प्रसाद मौर्य के घर पहली बार गए सीएम योगी को खुद डिप्टी सीएम ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया।
दोपहर के इस भोज पर योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे तो वहां पार्टी और संघ के कई वरिष्ठ चेहरे भी मौजूद थे, जिसमें संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने यह संदेश दे दिया कि भाजपा, राज्य सरकार और संघ के बीच कोई लड़ाई या मतभेद नहीं है। इस तस्वीर से विरोध के स्वरों पर लगाम भी लगेगी और पार्टी में अब सब ठीक ठाक का संदेश कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इस तस्वीर से साफ है कि पार्टी फिलहाल विरोध और असहमतियों की कथा का अध्याय यहीं रोक चुकी है और अब नए संदेश के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का गतिरोध फिलहाल थम चुका है और ये तस्वीर इसका सबूत है। विरोधियों को भी संघ और भाजपा का संदेश स्पष्ट है कि अभी सारा ध्यान आगामी चुनाव पर केंद्रित करें। सीएम योगी और केशव प्रसाद की इस मुलाकात के कुछ ही देर बाद बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सभी कयासों और विवादों पर विराम लगने के बाद अब सीएम योगी भी एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। लोगों के बीच कमजोर पड़ी छवि को सुधारने का काम सीएम योगी ने तेजी से शुरू कर दिया है। जिन मोर्चों पर वो घिरे थे उनके बारे में सकारात्मक और लोकप्रिय फैसले लेने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। तमाम असहमतियों और विरोध के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपनी बातों पर अडिग रहे। उन्होंने इस दौरान ना तो कैबिनेट विस्तार की बात पर सहमति दी और ना ही अपने विरोधियों के प्रति नरमी। दरअसल चुनाव की दहलीज पर खड़ी बीजेपी को इस वक्त यूपी में योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहना तो ये भी गलत नहीं होगा कि अगर पूरी पार्टी में तलाशा जाए तो सबसे चर्चित चेहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर योगी ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के बिना आगे बढ़ने का जोखिम कतई नहीं उठा सकती है। योगी की राजनीति और प्रशासन प्रबंधन का तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता जुलता है। नौकरशाही को मजबूत रखकर अपने हाथ में सारे घोड़ों की लगाम वाली शैली में काम करने का उनका अपना एक तरीका है। पिछले एक महीने से चल रहे विरोध और उथल-पुथल को शांत करने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जमकर बैठके और मुलाकातें हुई। पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध के स्वर को शांत कराने के लिए संघ ने भी पूरी ताकत लगाई। संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी दौरे किए और पदाधिकारियों के साथ घंटों मंथन किया गया। आखिरकार इन बैठकों के बाद उठ रहे विरोध के स्वर और असहमतियों के दौर पर पूर्ण विराम लग गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए प्राइम टीवी।